बिहार में कोसी में बाढ़ का खतरा तो टल गया है, लेकिन प्रभावित इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने कई जिलों से अपना अलर्ट वापस ले लिया है, लेकिन अभी भी पानी कम नहीं हुआ है और न ही लोगों के मन का खौफ कम हुआ है। अभी भी लोग अपना सब सामान समेट कर अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। खतरा तो टल गया है, लेकिन पूरी तरह से खतरा खत्म नहीं हुआ है। कई जिलों से अलर्ट वापस ले लिया गया है, लेकिन लोग अपना सामान अपने मवेशियों को लेकर घर बार छोड़कर जाते हुए कई इलाकों से नजर आ रहे हैं। आधी रात से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इंडिया न्यूज की टीम जायजा ले रही है कोसी के तमाम उन गांवों का जहां पर स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। कोसी में बाढ़ का खतरा कम जरूर हुआ है, मगर टला बिल्कुल नहीं है। हम फिलहाल मौजूद हैं इस गांव में जहां के लोग आधी रात के वक्त जब आसमान से तेज बारिश हो रही है पलायन की तैयारी कर रहे हैं। 2008 में भी इन लोगों ने बाढ़ की त्रासदी झेली हुई है, जब इनका पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा घर बह गया था। तबाही का वो मंजर आज भी इनकी आंखों में ताजा है और यही कारण है कि ये लोग अपने बलबूते पर अपनी सुविधाओं के साथ पूरे के पूरे गांव को छोड़ रहे हैं। हम बात करेंगे कुछ ग्रामीणों से और जानेंगे कि आखिर उन्हें किस बात का डर सता रहा है जिसको लेकर कर आधी रात के वक्त वो पूरे के पूरे गांव को खाली कर रहे हैं। आप बताइए, आखिर किस बात का डर आपको सता रहा है जो कि आप इस गांव से पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं? सर, 2008 में इसी तरह का बाढ़ आया था, हम लोग उसको झेले हुए हैं, उसी का डर सताए हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। इसी तरह का बाढ़ आया था, हम लोग उसको झेले हुए हैं, उसी का डर सताए हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं और इस बार भी कोई कुछ सुनने वाला नहीं, इसलिए हम लोग जाग कर तैनात रहते हैं कि कहीं कभी कोई आपदा आ जाए तो फिर तैयार रहेंगे। इस सारी सारी रात आप पहरादारी कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, सचेत हैं, आखिर सरकार से क्या कोई मदद पहले मिला आपको? जी नहीं। कोई सरकारी अधिकारी आया? जी नहीं, सरकार का कोई मदद नहीं मिला और ना ही सरकारी अधिकारी आया, ना उस बार आया था ना इस बार आया है। हम लोग इसीलिए अपने आप सचेत हैं, हम लोग जैसे भी होगा, ना हम लोग को कोई सड़क की अच्छी सुविधा है, ना हम लोग कोई स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा है। बाहर से पूरी पूरी डरे हुए हैं, क्योंकि हमारा जितना भी ये महादलित लोग, दलित लोग हैं, वो सभी अपनी ट्रैक्टर करके अपने लोग हमको बुलाए तो हम भी यहाँ आए तो देखे कि सब भाग रहे हैं, सबको थोड़ा समझा बुझा रहे हैं, फिर भी ये सब नहीं मान रहे हैं। सबको इतना डर सताया हुआ है लेकिन ये सब नहीं मान रहे हैं। फिर अगले बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसे होने की संभावना है, क्योंकि सरकार ने बहुत जगह कैंप भी लगा दिए हैं और कभी कहती है बाढ़ आ रही है, कभी नहीं आ रही है। हम लोग पूरा डराए हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि कब क्या हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। दिल्ली और पटना के एयर कंडीशन कमरों से चलने वाली सरकार कागज पर स्थिति कितनी भी सामान्य बताए, मगर जमीन की हकीकत कुछ और ही कहानी को बयान कर रही होती है। बिहार के कोसी बेल्ट से कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ मैं अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज। और इस बीच